हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है मलंग के बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट से। तो दोस्तों, मलंग को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 7वां दिन है और इस फिल्म ने जो 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो वो रिपोर्ट भी सामने आ चुके हैं। तो इस फिल्म ने पहले दिन यानी कि फ्राइडे को जो कलेक्शन किया था वो था 6,71,00,000 रुपए का। उसके बाद सैटरडे को जो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया तो वो था 8,89,00,000 रुपए का। उसके बाद संडे को जो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया तो वो था 9,76,00,000 रुपए का। यानी कि ये बात हो गई भैया ये वीकेंड की, यानी कि पहले 3 दिनों की। उसके बाद आया जब इस फिल्म का वर्किंग डे तो भैया इस फिल्म ने मंडे को जो कलेक्शन किया था तो वो था 4,04,00,000 रुपए। उसके बाद आया भैया ट्यूसडे तो भैया उस दिन इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया वो था 3,80,00,000 रुपए। और उसके बाद बुधवार को यानी कि कल इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो वो है 3,25,00,000 रुपए। यानी कि 6 दिनों के कलेक्शन को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन कर पाई है तो वो है 36,45,00,000 रुपए। यानी कि ये फिल्म बहुत जल्दी ही अपना बजट जो है वो बॉक्स ऑफिस से निकाल लेगी और उसके बाद ये फिल्म प्रॉफिट में चली जाएगी। तो भैया बहुत करीब आ चुकी है ये फिल्म 50 करोड़ के। तो आपको क्या लगता है ये फिल्म 50 करोड़ से आगे जाएगी तो कितना आगे जाएगी? क्योंकि भैया फिल्म के अगर बिजनेस पे अगर हम लोग देखें तो भैया स्टार्टिंग से उछाल तो देखने को मिला लेकिन डाउनफॉल भी इस फिल्म के बिजनेस में देखने को मिल रहा है। तो भाई क्या ये फिल्म 75 करोड़ के आंकड़े को छू पाएगी बॉक्स ऑफिस पर या फिर ये 65 करोड़ पे ही जाकर सिमट जाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।